जिस दिन भी पापा आते हैं ना, ये मतलब रिकॉर्ड है। तो किसने मारा? तू ने, क्योंकि वो उठता ही लेट है। आगे का ट्रीटमेंट हम यहीं से करेंगे। गाइस मेरे गोलू का हाथ। पिंकी के लिए उसके जियाजी फोन लेके आए हैं। तब तो देख ही लिया होगा आपने, पूरा खलारा मचा रखा। मिलाप हो रहा है इन दोनों का। आज ना हम सब लोग ना वहीं इनवाइटेड हैं। छोटू को मेरा प्यार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया। तो मैं किरण स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल किरण मेहरा व्लॉग्स पे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर रही हूँ मैं आज के नए दिन के साथ, और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं हल्द्वानी से। तो मेरे साथ जैक्स भी यहाँ पर व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा है। बाकी बाहर हो रही है झमाझम बारिश, मैं आपको दिखाती हूँ। आज हल्द्वानी में बारिश हो रही है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये देखो बारिश हो रही है अभी। और आपको बता दूं तो आज मेरे पापा भी आ रहे हैं, और जिस दिन भी पापा आते हैं ना, ये मतलब रिकॉर्ड है। जब भी हमारे पापा आते हैं तो उस दिन बारिश तो हो ही जाती है। फिलहाल जैक्स यहाँ पे बैठा है, और जैक्स के लिए भी अच्छा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा सा, क्योंकि गर्मी में बेचारा बहुत हाँफ जाता है, है ना जैक्सू? हाँफता है ना। तुझे किसने मारा? तूने। तू रो क्यों रही है? तूने मारा मुझे। तू रो क्यों रही है? मैंने कब मारा तुझे? तूने मारा मुझे। देखो पिंकी प्याज कट कर रही है। किस चीज़ की सब्जी रखी है, पता नहीं क्या है। कद्दू के टुकड़े। कद्दू के टुकड़े, उसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। तो अब हम लोग करने लग गए हैं नाश्ता, और नाश्ते में मम्मी ने आज बनाया है गदवा टुक साग। तो ये कद्दू की जो बेल लगी रहती है ना, उसमें जो टुक होते हैं उसकी सब्जी बनाई है मम्मी ने, और लस्सी। बाकी ये पिंकी और मम्मी कर रहे हैं साथ में, हम तीनों नाश्ता कर रहे हैं। भैया थोड़ा लेट नाश्ता करता है क्योंकि वो लेट है। तो गाइस नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया है, और अब थोड़ी देर में बर्तन वगैरह भी साफ़ करती हूँ। बाकी मेरे पापा जो हैं वो ट्रांसफ़र छुट्टी आ रहे हैं। पापा का ट्रांसफ़र हो गया है जम्मू, तो 10 दिन की ना ट्रांसफ़र लीव मिलती है, तो पापा वही आ रहे हैं। और सामान ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ी देर में ना मम्मी जाएगी उनको लेने के लिए। अभी पापा बरेली से बैठे हैं बस में, तो सामान ज़्यादा हो जाएगा इसी वजह से मम्मी जाएगी स्टेशन पर लेने के लिए। और साथ में ना आज मेहरा जी भी आ रहे हैं क्योंकि उनका हाथ भी दिखाना है। कल हम लोग जहाँ उनका पैर का ऑपरेशन करवाया था ना, वहीं जाएंगे और उनके हाथ मतलब हाथ दिखा लेंगे क्या है। अल्मोड़ा में अभी कच्चा प्लास्टर किया है, तो जो भी रहेगा फिर आगे का ट्रीटमेंट हम यहीं से करेंगे। आज पापा भी आ जाएंगे, महाराज भी आ जाएंगे, फिर आपको मिलाऊंगी। तो गाइस अभी महाराज जी भी खैरना पहुंच गए, मेरी अभी उनसे बात हुई है, और मम्मी भी चले गई है पापा को लेने के लिए स्टेशन। तो अभी थोड़ी देर में दिन के खाने की तैयारी करती हूँ। बाकी अभी तो थोड़ी बारिश भी रुक गई है ना, फटाफट से पिंकी धो रही है कपड़े, सब मतलब अपने अपने कामों में लगे हैं, और बैठी हूँ अभी फिलहाल। तो गाइस अभी अब हम आ गए हैं किचन में, मैं और पिंकी, और अब बना रहे हैं दिन का खाना। खाने में बना रहे हैं हम लोग अरहर मलके की दाल और चावल। बाकी पापा के लिए थोड़ा रोटी भी बना लेंगे, प्याज व्याज पिंकी ने कट कर दिया है। ये देखो कामदार लड़की है बहुत। अब फटाफट से दाल चढ़ा देती हूँ। बेइज्जती कर दिया सारी। खाना भी बन गया है और पापा भी आ गए हैं। भैया जा रहा है सामान लेने के लिए। जैक्सू कौन आया है? तो पापा भी आ गए हैं, अभी आपको पापा से भी मिलाती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस मेहरा जी भी आ गए हैं, और जैक्स ना सीधे छलांग ही लगा रहा है। आपने देखा पापा आए थे, उनके लिए भी छलांग लगा रहा था। हेलो हेलो, ये रहे महाराज जी, हमारे हाथ का ये काम कर दिया इन्होंने। गाइस मेरे गोलू का हाथ ठीक है, हाथ है, ज्यादा दिक्कत नहीं। समझ गया बट ओए पैर में भी लगी है ना। तो अब हम लोग खाना खाने लग गए हैं, ये है पापा। महाराज जी को भी दे दिया है खाना, यहाँ पे ये खाने लग गए हैं। तो गाइस खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, और पिंकी के लिए उसके जियाजी फ़ोन लेके आए हैं, तब तक टेम्प्ररी यूज़ करेगी करके। और ये देखो इनको गर्मी इतनी लग रही है कि ऐसे बैठे पड़े हैं। तुमको लेके भी सब परेशान हो जाते हैं मेरे फैमिली वाले, कभी कुछ हो जाता है, पता नहीं क्यों हम पे दशा आई है ऐसी। हम लोग ना बहुत परेशान हो गए, लेकिन अब मुझे थोड़ा ना राहत मिल रही है, क्योंकि अभी मुझे बताया कि हाथ में फ्रैक्चर हो रखा है, और थोड़ा पैर वैर में कुछ नहीं लगी है, वरना तो मेरे टेंशन से हालत ख़राब हो रही थी। बाकी पापा भी आ गए हैं। अभी हो रहा है शाम का टाइम, और अभी हम लोग आए हैं छत में।
बाकी सुबह बारिश के बाद अभी मौसम ठीक हो रहा है। और यहाँ पे पापा के कपड़े फोल्ड हो रहे हैं। यहाँ पर ये जैक्स वहाँ पे बैठा है, पूरे छत में कैसा खल्लारा मचा रखा, देखो देख ही लिया होगा आपने, पूरा खलारा मचा रखा है। फटाफट से पापा के कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। गाइस अभी हम लोग रेडी हुए हैं, मैं और पिंकी, हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पे। बगल में मनीषा का ना बर्थडे है, तो आना हम सब लोग ना वहीं इनवाइटेड हैं। तो अब मैं और पिंकी जा रहे हैं और मिलते हैं वहीं जाके, आपको मिलाते हैं बर्थडे गर्ल से और बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाएंगे आपको। तो जाने लग गए हैं हम लोग अब। बाकी ना मुझे अपने घर की ना ये वाली लाइट बहुत अच्छी लगती है। तो ये रहा मनीषा लोग का घर आंटी लोगों का, आज यहाँ पे है बर्थडे। तो मिलाप हो रहा है इन दोनों का। ये है किरण, मनीषा की दीदी। मेरा नाम भी किरण, इसका नाम भी किरण, हम दोनों किरण हैं। तो बर्थडे है इसका, हैप्पी बर्थडे। अरे कुर्ता तेरु चिट लाल चा, हाथ माधरु रुमाल चा। कुर्ता तेरु चिट लाल चा, हाथ माधरु रुमाल चा। अरे चुपड़ी लूची के लिए चांद जा।